नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। वर्ष 2020 के बाद आज मंदिरों में महाशिवरात्रि के पर्व पर धूम देखने को मिली। बल्लभगढ़ शहर के मंदिरों में भक्तों ने सुबह 4 बजे से ही शिव शंकर की पूजा करना शुरू कर दिया। हालांकि अंधेरे में सुबह के समय मंदिरों में भीड़ कम थी, लेकिन 7 बजे के बाद मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। दिखाई दे रहा नजारा चावला कॉलोनी बल्लभगढ़ में शिव मंदिर का है, जहाँ पर भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और उनकी अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर्व का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिर के आचार्य पंडित प्रेम प्रकाश शास्त्री की माने तो इस संसार में सभी देवताओं से पहले भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई थी। आज ही के दिन भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। महाशिवरात्रि पर जोड़े के साथ भगवान शंकर की पूजा करने का महत्व ज्यादा है। महाशिवरात्रि शिव तत्व में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। रात्रि तत्व शक्ति है, शक्ति और शिव के मिलन को ही शिवरात्रि कहते हैं। भगवान शिव एवं पार्वती शिव और शक्ति हैं। शिव शक्ति के मिलन को पार्वती शिवरात्रि पर्व के नाम से जाना है। अभिषेक कर रहे हैं, लोग व्रत रहते हैं, स्वयं से शाम तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। 5-4 बार रात्रि में अभिषेक किया जाता है। 4 पहर के 4 अभिषेक होते हैं, 4 पहर के 4 अभिषेक दिन के होते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से पीछे इस प्रकार से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ मंदिर में पूजा करने आए भक्त की माने तो 2 और 3 साल बाद उन्हें मंदिर में तसल्ली से पूजा करने का मौका मिला है। कोविड-19 के चक्कर में मंदिरों में पूजा वे लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन आज महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में भीड़ भाड़ देख कर उन्हें खुशी महसूस हुई। बहुत अच्छे से मना रहे हैं, अभी शिव की आराधना की है घर से और मंदिर में आकर शिव की आराधना की। यहाँ भक्तों की भीड़ भी लगी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 साल बाद 2.5 साल बाद मंदिर खुले हैं, लोगों को पूजा वूजा कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से कोई आ नहीं पा रहा था, अब शिव की महिमा ऐसी हुई है, सब धीरे धीरे सारी बीमारियां हट गई हैं और लोग शिव की आराधना करने और शिव का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, शिव की आराधना करके आत्मा को शांति मिलती है और बहुत मन शांत रहता है और सारे काम धंधे लोगों के चल गए। अब शिव की असीम कृपा से अब आगे भी चलते ही रहेंगे। धूमधाम से मना रहे हैं, 2-3 साल में जाकर के ये त्यौहार अच्छी तरह से मना जा रहा है। पहले तो कोरोना में नहीं मना पाए लोग, लेकिन अब भोले बाबा की अच्छी कृपा है, उनकी कृपा है, इसलिए सभी लोग बढ़िया तरह से त्यौहार मना जा रहे हैं। शिव 14th महाशिवरात्रि है। आज के दिन भोले बाबा जी का विवाह हुआ था। आज हिमालय जी की पुत्री और माता मैना जी की पुत्री माँ पार्वती को भोले बाबा कैलाश से नंदी जी के साथ और अपने गणों के साथ विवाह करने के लिए हिमालय पर गए थे और वहाँ उन्होंने आज विवाह किया था। आज 2 साल बाद कोरोना काल के बाद मंदिरों में काफ़ी भीड़ है, लोगों में बहुत ज़्यादा उन्मादकता है, लोगों में भक्ति है, प्रेम है, भोले बाबा के दर्शन करने की आस्था है, नवाने की आस्था है और लोग भागों में एक अद्भुत जोश है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।